यूथ कांग्रेस ने नीमच के पीजी कॉलेज में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिमा का मामला पिछले 2 साल से लंबित चल रहा है। नीमच के स्वामी विवेकानंद पीजी कॉलेज में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर की अध्यक्षता व जिला महासचिव लोकेश यादव के नेतृत्व में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह व जिला महासचिव लोकेश यादव ने बताया कि भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा कॉलेज परिसर में लगाई जाना चाहिए। विगत 2 वर्षों से छात्रों द्वारा यह मांग उठाई गई है, लेकिन अभी तक कॉलेज प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। देखिए, आज हमारे युवा कांग्रेस के साथियों द्वारा पीजी कॉलेज में ज्ञापन सब की मांग करी गई है कि पिछले कई वर्षों से हमारे युवा कांग्रेस के साथी और हमारे जो छात्र नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति की वहाँ स्थापना करना हम लोग चाहते हैं। हमारे युवा साथीगण जन सहयोग से वहाँ मूर्ति स्थापना करना चाहते हैं। बस वहाँ हमें उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति चाहिए कि हम कॉलेज प्रशासन से अनुमति चाहिए कि हम वहाँ पर मूर्ति स्थापना कर सके। लेकिन जो भाजपा के जनप्रतिनिधि है और जो कॉलेज प्रशासन है वो उसकी जो उदासीनता है उसके कारण हमें पिछले 2 वर्षों से अभी तक अनुमति नहीं मिल पाई है हमारे साथियों को। तो उसी के लिए हमने आज ज्ञापन सौंपा है कि जल्द से जल्द हमें वहाँ पर मूर्ति स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान करी जाए। अगर जल्द से जल्द अनुमति प्रदान नहीं करी जाती तो हम वहाँ पर खुद ही बिना अनुमति के हमारे साथीगण जन सहयोग से वहाँ पर मूर्ति की स्थापना करेंगे। ज्ञापन में क्या मांग रखी है अपने मुख्य 14 अप्रैल से तक लगनी चाहिए मूर्ति? जी, हमने वही बताया है कि पिछले 2 वर्षों से मांग करी जा रही है और अभी तक अनुमति नहीं मिली थी, इसे जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। अगर 14 अप्रैल अंबेडकर जी जयंती आ रही है तब तक अनुमति नहीं दी गई तो फिर हम जल्द ही इस पर निर्णय लेके खुद ही हम बिना अनुमति के ही मूर्ति स्थापना। यूथ कांग्रेस के जिला महासचिव मनीष कदम व ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह झाला ने बताया कि बाबा साहब अंबेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश पर न्यौछावर कर दिया। भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी लोग एक समान हैं और समरसता का संदेश इस देश को दिया। ऐसे महापुरुष की प्रतिमा नीमच पीजी कॉलेज में लगाई जाना चाहिए, लेकिन मामला पिछले 2 वर्षों से लंबित कर रखा है। कॉलेज में हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी राठौर इस ज्ञापन में हमारे द्वारा बताया गया है कि पिछले दो वर्ष पहले हमने कॉलेज परिसर के प्राचार्य को ज्ञापन दिया था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापना की जाए, लेकिन आज दिनांक तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसमें तात्कालिक प्राचार्य और वर्तमान प्राचार्य से भी हमने कई बार बहस की, कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। बड़े शर्म की बात है कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को जनप्रतिनिधियों द्वारा और कॉलेज प्रशासन द्वारा से हटकाया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है, एक ऐसे महापुरुष जिसने भारत का संविधान बनाया और अपने प्राण इस देश में न्यौछावर कर दिए, और उनकी प्रतिमा का विरोध करना और उस प्रतिमा को अटकाना इस समस्त लोगों के लिए शर्म की बात है। इस अवसर पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह राठौर, जिला सचिव लोकेश यादव, नीमच ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह झाला, जिला महासचिव मनीष कदम, युवा नेता नितेश यादव, मोहम्मद समीर, दीपक मालवी, आशीष बारोट, उमेश मेनारिया, दीपक भट्ट, शशि प्रजापति, मोहित ग्वाला, आयन दुरानी, साहिल, लोकेंद्र पवार सहित बड़ी संख्या में NSY और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे।